हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। तो आज हम बात करने वाले फिर से इस फ़ोन के बारे में, कि काफ़ी क्वेश्चन मुझे इसके ऊपर आ रहे थे कि आप बताइए सर कि आपने डिस्काउंटेड रेट की बात की थी कि 7-8 की रेंज में मुझे ये फ़ोन पड़ा है। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने ये इस रेंज में फ़ोन लिया, और आपको बता दूंगा मैं इसमें काफ़ी दिन हो गए मुझे यूज़ करते हुए। ऑलमोस्ट हफ्ता तो हो ही चुका है, आई थिंक लास्ट वीक आया था, लास्ट संडे आया था, तो हफ्ता होने वाला है। एंड काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ कर चुका हूँ ये फ़ोन, एंड काफ़ी यूनिक फीचर्स इसके जो किसी भी फ़ोन में, काफ़ी लोग कंपेरिजन्स कर रहे हैं कि मुझे ये फ़ोन चाहिए, मुझे रियलमी एक्स टी चाहिए, ये वो, और कुछ और डाउट्स आए थे लोगों के बारे में, तो वो मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें। और सबसे पहले जो सबसे क्रूशल क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने कैसे लिया, कितने का लिया और किस तरह से मुझे इस रेंज में मिला, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जैक्टली प्राइस जो सेल में आपको दिखाया जा रहा था अमेज़ॉन के ऊपर, M30S का एग्जैक्ट प्राइस। फ्रेंड, M30S का एग्जैक्ट प्राइस जो दिखाया जा रहा है लाइटनिंग डील में 13,999, यानी 13,999 इसका प्राइस एग्जैक्टली बताया जा रहा है। इसका रेट जैसे मैंने आपको बताया 13,999 है, तो 13,999 का कुछ उस टाइम पे डिस्काउंट चल रहा था, फेस्टिव का ऑफर्स में आ रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि आपको ये पड़ेगा अराउंड 13,016 का। तो वो उसके साथ एडिशनल आ रहा था कि अगर आप अमेज़ॉन पे जो कार्ड है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, और यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है ऊपर नोटिफिकेशन में, आप जाके देख सकते हैं वीडियो कि वो कैसे आप ले सकते हैं, तो उसकी बदौलत ही मुझे ये इस रेंज में पड़ा है। तो कैसे पड़ा वो बताता हूँ। तो नेट पहले ही जैसे मैंने वो ऑफर्स में किया, तो उन्होंने कहा अगर आप क्रेडिट कार्ड से लेते हैं तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो नेट वो हो गया था 13,016 का। उसके बाद ऑफर्स में आ रहा था कि अगर आप अमेज़ॉन पे का यूज़ करते हैं दिस वन कार्ड, तो आपको 1,000 का इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा, तो वो उसमें मेरे को माइनस हो गया, तो वो बन गया 12,016 का। अब इसके बाद मेन पॉइंट आता है कि 5,000 का कैसे घटे। तो 5,000 ऐसे घटे कि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अमेज़ॉन पे कि क्या खासियत है, उसकी खासियत ये है कि जब आप उससे परचेज़ करते हैं, कुछ कहीं से भी उससे परचेज़ करते हैं अमेज़ॉन पे, तो डायरेक्ट आपको 5% मिल जाते हैं सीधा। अगर आपने 100 की चीज़ ली तो 5 आपके उसमें जुड़ जाएंगे, अगर कोई बड़ी चीज़ ली जैसे 50,000 की चीज़ ली है तो सीधा आपके अकाउंट में उसका 5% आ जाएगा। सो दैट इज़ द बिग थिंग। तो आजकल ऑनलाइन में सभी काफ़ी चीज़ें लोग लेते रहते हैं, तो मैंने ये कार्ड बहुत पहले बनवा लिया था, और ऐसे ही मैंने सेल्स में कुछ चीज़ें ली, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लिए, जिसकी वजह से मेरे पास अमेज़ॉन पे अकाउंट में कम से कम 5,000 के आसपास जो वो पॉइंट्स मिलते हैं उनको कहा जाता है अमेज़ॉन पे बैलेंस। तो उनकी खासियत ये है कि आप उसको, वो कभी एक्सपायर नहीं होते, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, यही इसकी खासियत है। अदरवाइज़ दूसरे क्रेडिट कार्ड में जो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं अप टू, वो कहते हैं कि या तो ये प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट भी उनके कुछ सिलेक्टेड होते हैं कि इन प्रोडक्ट्स में से आपने कुछ सामान लेना है वही आपको चूज़ करने हैं, और उसका एक वो टैग लगाता है डेट कि इस डेट तक आपको लेना है। लेकिन इस कार्ड में, अमेज़ॉन पे क्रेडिट कार्ड में, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो पॉइंट्स या जो अमेज़ॉन पे बैलेंस है वो एक बार आपका इकट्ठा हो गया, चाहे आप 20 साल बाद, चाहे आप 30 साल बाद, कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने वो इकट्ठे करे हुए थे, और उसमें से मैंने 5,000 इसमें, मतलब वो 5,000 पॉइंट्स जो मुझे फ्री में, मतलब एक तरह से मैंने प्रोडक्ट लिया उसकी वजह से मुझे बाद में मिले हैं, तो उसमें मुझे कुछ एडिशनल नहीं मिला। तो वो जो 5,000 पॉइंट्स है, 5,000 पे बैलेंस, वो इसमें अलग लग गया। 1,000 इन्होंने अपने आप कैशबैक मुझे दे दिया, तो टोटल 6,000, और जो इंस्टेंट डिस्काउंट था वो मैंने आपको बता चुका हूँ 13,000 से, वो तो एग्जैक्टली 13,016 में से जब ये 6,000 घटाए तो ये रह गए 7,016। तो इस तरह मुझे ये 7,016 का फ़ोन पड़ा। तो अब आप कहेंगे कि ये आप, ये जो चीज़ है आगे एप्लीकेबल नहीं होगी, तो ये मैं बता रहा हूँ ये आप गलत सोच रहे हैं।
यही फ़ायदा है अमेज़ॉन पे क्रेडिट कार्ड का। अगर आप ऐसे पॉइंट्स इकट्ठे कर लेते हैं या ऐसे अमेज़ॉन पे बैलेंस बना के रखते हैं तो आपको किसी भी आगे, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, अमेज़ॉन पे सेल्स लगनी रहनी है और नए नए फ़ोन्स लॉन्च होते रहने हैं, तो आगे भी फ्यूचर में भी ये 100% ऐसी स्कीम आएगी। तब आप अपने अमेज़ॉन पे और इसके अलावा जो एडिशनल कैशबैक्स आते हैं, जैसे मुझे इस बार 1000 रुपये एडिशनल मिला, 5000 में बस पहले थे, 1000 रुपये का एडिशनल मिला और फेस्टिव डिस्काउंट अराउंड 500-600 रुपये का उन्होंने सीधा दे दिया मुझे, तो सीधा वो मेरे को पड़ गया 7016 रुपये का। तो इस तरह मैंने ये इस रेंज में फ़ोन लिया है। तो निराश मत हूँ क्योंकि अब ये वाली सेल ख़त्म होगी, लेकिन दिवाली आ रही है तो डेफिनेटली दिवाली सीज़न पे बहुत सेल लगेगी। अब इंडिया में ट्रेंड आ गया ऑनलाइन मार्केटिंग का, तो जैसे आप अखबार में भी पढ़ रहे हैं, काफ़ी लोगों ने अपलोड किया कि ऑनलाइन बिजनेस बोथ अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट ने बहुत ज़्यादा कमाया और रिटेल जो खोल के बैठे हैं उनको लॉस हुआ है। तो पब्लिक, मतलब अब छोटे शहरों में भी, बड़े शहरों में भी, हर जगह पर ये जागरूकता जारी है एंड दे आर परचेजिंग ऑनलाइन, तो इस पर काफ़ी होगी। तो ये मुझे 7016 रुपये का मिलेगा इस तरह। तो नेक्स्ट काफ़ी अच्छे वीडियोज आने वाले हैं इसके ऊपर, और इसके रिलेटेड कुछ भी आपका सवाल या दिमाग में हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ड्रोन टेक डॉक्टर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर बनाते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और टेक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे फोन्स, कैमराज, एवरीथिंग अबाउट दैट। और आपको ये इफेक्ट कैसा लग रहा है जो पीछे चल रहा है, इसका भी अनबॉक्सिंग आने वाली है, वीडियो बन चुका है तो नेक्स्ट वो आ जाएगा। तो वो आपको पसंद आएगा वीडियो। और अमेज़ॉन पे क्रेडिट कार्ड जरूर बनाएं, उसके ही फायदे हैं, उसकी वजह से आपको इतने डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, तो उसका वीडियो भी मैंने सजेशन में दे दिया। और प्लीज़ लाइक जरूर करें एंड दिस वीडियो वॉज ब्रॉट टू यू बाय gadgetmadam.com, जरूर जाके विजिट करें, उस पर ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको लिखित रूप में, यानी रिटर्न ब्लॉग्स की तरह आपको मिलता है, तो प्लीज़ ज़रूर विजिट करें, हो सकेगा उसको भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, यो।